Good morning student, this is our first video on chapter 2. The title of this chapter is whole numbers. सबसे पहले हम start करेंगे कि whole numbers की definition क्या होती है. जैसे कि हम जानते हैं कि जो natural numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से start होते हैं. लेकिन अगर हम natural number के साथ में 0 को भी include कर लेते हैं तो जो हमारा numbers का collection है वो whole numbers कहलाता है. होल नंबर्स के साथ में हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी देखना है कि जैसे सपोज आपके पास में गिवन नंबर 17 है और उसका आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालना होता है. प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम 17 में से 1 को माइनस कर लेंगे और सक्सेसर निकालने के लिए हम 17 में 1 को ऐड कर लेते हैं. यानी कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर निकालने का तरीका यह है कि प्रीडिसेसर के लिए 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है और सक्सेसर के लिए हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर लाइन. होल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर लाइन कुछ नहीं होती, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है. इसके अंदर उसके ऊपर हम जीरो को यहाँ पर लेबल कर लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हम इस तरीके से मार्क लगा लेते हैं और उसको 1, 2, 3 से लेबल कर लिया जाता है. नंबर लाइन का जो इस्तेमाल है वो नॉर्मली नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किया जाता है. दिस इज़ अवर इंट्रोडक्शन अबाउट द होल नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2A. जो एक्सरसाइज नंबर 2A उसमें जो हमारा अभी जस्ट हमने प्रीडिसेसर और सक्सेसर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को यूज़ करना है. इसके लिए उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग. हम ये इसको रिमूव नहीं करेंगे. हियर वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2A. और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यू हैव टू राइट द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. हमें जो है एक नंबर दे रखा है 20999 और हमें इसके 3 इमीडिएट सक्सेसर निकालने हैं. अगर सक्सेसर निकालने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्लस 1. आपको 1 प्लस करना पड़ेगा. ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कैरी में चला जाएगा, ये भी कैरी में जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 21,000. इसके बाद में आपको नेक्स्ट सक्सेसर निकालना है तो अगेन यू हैव टू ऐड 1 और जैसे हम इसके अंदर ऐड 1 करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो 21,001. अगेन आपको नेक्स्ट सक्सेसर निकालना है, अगेन यू हैव टू ऐड 1 और हमारा आंसर आ जाएगा 21,002. तो दीज आर द 3 इमीडिएट सक्सेसर ऑफ दिस गिवन नंबर. अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जिसमें हमें इमीडिएट प्रीडिसेसर निकालना है. प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, सक्सेसर में प्लस किया जाता है और प्रीडिसेसर में 1 माइनस किया जाता है. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमें नंबर दे रखा है 20,010 एंड यू हैव टू फाइंड द 3 इमीडिएट प्रीडिसेसर. तो आप सबसे पहले इसके अंदर से 1 माइनस कर लेंगे. साफ ही पता चल रहा है कि 20,010 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 20,009. अगेन हमें 1 माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा 20,008. फिर अगर अगेन हमें एक 1 माइनस करना है तो हमारे पास मिलेगा 20,007. सो दीज आर द आंसर्स, 3 इमीडिएट सक्सेसर ऑफ नंबर 20,010. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा छोटा क्वेश्चन है. उसके अंदर ही हमें पूछा गया है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है. ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है 1 और जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या है आपका 0. तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा हुआ है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं. तो अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात की जा रही है तो इसका आंसर होगा 1. अगर लेकिन अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर्स पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो यू हैव टू राइट 0 हियर. अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 59 एंड 72. तो हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स को लिखना है. 59 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आता है 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, then 70 and 71, क्योंकि उन्होंने 72 तक की हमें लिमिट दे रखी थी. अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. यहाँ पर हमें सिर्फ एक सक्सेसर लिखना है. राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग. जो हमारा ए क्वेश्चन है उसमें आपके पास नंबर है 2440701. अगर आपको उसका इमीडिएट सक्सेसर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा 440702. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रीडिसेसर निकालना है. जब हमें क्वेश्चन नंबर में प्रीडिसेसर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम 96 दे रखा है, इसका प्रीडिसेसर निकालना है तो आप 96 में से 1 माइनस कर देंगे तो यू विल गेट आंसर 95. दिस इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 96.
अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर आपको देखना है कि आपके इसके चार पार्ट्स हैं और उन्होंने हमें पेयर ऑफ नंबर्स दे रखा है। इसके पेयर ऑफ नंबर्स के साथ साथ में इन्होंने स्पेसिफाई किया गया है कि पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसके बाद उसकी नंबर लाइन पर लोकेशन भी डिफाइन करनी है। सो वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर सेवन ए, द पेयर ऑफ नंबर 469 एंड 409। तो हमें सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है ये पता करना है। इसके लिए हमें सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो हम जानते हैं कि 469 बड़ा होगा 409 से, और नंबर लाइन पे अगर हम इसकी लोकेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली 409 यहाँ आएगा और 469 यहाँ पर आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 409 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 469। ओके, तो एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें 3059 और 5039 के को कंपेयर करना है। अगेन ये 3000 और ये 5000 समथिंग है, तो डेफिनेटली कौन सा नंबर बड़ा होगा। 3059 छोटा है, तो हमें इस तरीके से सिंबल लगाकर इंडिकेट करना है। एंड अगेन यू हैव टू डिफाइन द लोकेशन आल्सो। तो अगर हम नंबर लाइन पे इस तरीके से चलेंगे तो 3059 यहाँ आएगा और 5039 जो है यहाँ पर आएगा। अगेन आपको लिखना पड़ेगा 3059 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ 5039। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर एट है उसके अंदर सिर्फ ट्रू फॉल्स आपको पता करने हैं। अगर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से ट्रू एंड फॉल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्कस करने वाले हैं। कि क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको बोल रखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर्स एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा है। तो जो हम जानते हैं कि थ्री डिजिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमारा क्या हो गया 100। उसके बाद में हमें नेक्स्ट देखना है कि लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर होता है हमारा हम जानते हैं कि लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99 है। और नाउ वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में क्या हमारी रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि जो 100 है वो 99 का क्या है, सक्सेसर है। तो यू हैव टू राइट 100 इज सक्सेसर ऑफ 99। इस तरीके से आपको स्पेसिफाई भी करना है कि 199 में क्या रिलेशन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मिलता जुलता ही है। इन्होंने पूछा है कि इज़ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि जो हमारा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा है। अगर आप लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर की बात करते हैं तो वो आपका 999 होता है। उसके बाद हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हम जानते हैं कि वो होता है आपका 1000। तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या, तो आपको आंसर देना है कि क्या जो 1000 है वो इसका थ्री डिजिट नंबर का सक्सेसर है। तो यू हैव टू से दैट यस दिस इज़ द सक्सेसर ऑफ फोर डिजिट नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने होल नंबर्स, नंबर लाइन, प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में डिस्कस किया था और हमारी जो एक्सरसाइज टू है उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और होल नंबर और एक्सरसाइज नंबर जो है 2B को डिस्कस करने वाले हैं। सी यू इन द वीडियो 2।